ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है यू हैव टू शो दै दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बाकी दोनों कैटेगरी में आती है तो लेट्स बिगिन विद दिस बड़ा सिंपल सा है तो व्हाट वी विल डू वी विल टेक अप दिस फर्स्ट वाला करते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अज्यूम करना पड़ेगा रिलेशन आर क्या है तो आर क्या होगी देखिए आर विल बी अगर हमें इसे एक बार मैं लिख ले रहा हूं एक चीज समझाने के लिए इसके बाद इट विल बी इजियर ठीक है देखिए यहां पे आप इसे स्पेसिफिक केस में कर, करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिक में आपको काफी पॉइंट्स लेने पड़ेंगे वैसे अगर आप चाहें तो एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिस पॉइंट पर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगी रिफ्लेक्सिव ट्रू रहेगा तो अगर आप इसे करना वैसे चाहते हैं तो ठीक है फिर आपको जनरलाइज तो करना ही पड़ेगा तो इससे अच्छा अप्रोच ये होता है कि जनरलाइज से ही शुरू किया जाए वॉट एम संग इज लेट लेटस कंसिडर दैट फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए तो लेट ए बिलोंग टू द रियल नंबर सेट तो ए कॉमा ये रियल नंबर का सेट है तो आई एम जस्ट दिस बोल्ड कर दे रहा तो ए कॉमा ए विल अगर रिलेशन के देखेंगे तो ए बिलोंग्स टू आर ये रियल नंबर रिलेशन है ठीक है बेटा कंफ्यूज मत होना ये रिलेशन है वाई सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू ए इज ट्रू सही बात है क्योंकि ए तो ए के बराबर होता है इक्वालिटी है अगर बेटा यहां पे ए लेस देन होता ना तब ये गलत हो जाती क्योंकि A, A से छोटा नहीं होता लेकिन यहां पे इक्वालिटी की वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गई है समझ गए बात को तो ए दिस रिलेशन बिलोंग दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन आर और दस वी कैन से द रिलेशन इज दिस इंप्लाइज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसी है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ठीक है अब हम देखते हैं सिमेट्रिक अब वो उसने बोला ट्रांजिटिव मतलब ये थोड़ी हम अपना जो स्टेप है वो डिफरेंट कर देंगे ऐसा नहीं होता हम सिमेट्रिक ही देखेंगे तो अगर हम बोलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर दिसन इक्वल टू बी देमा बी सॉरी देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर वाई नॉट बिलोंग टू आर इट डज नॉट बिलोंग टू आर द रीजन इज सिंस बी इज लेस देन इक्वल टू ए इज नॉट ट्रू आप समझिए एक पॉइंट पर इक्वालिटी आती है आई नो पर ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो हम रिफ्लेक्सिव केस में चले जाएंगे सही बात है ना है ना तो अब हमें देखना है कि अब हमें ये बोल रहा है रिलेशन कि भाई ए जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू बी सही बात है अगर हम बी कॉमा ए बोलते हैं देन वी आर देन इक्वल टू ए बट ये रिलेशन तो कुछ और बोलती है

अगर आप किसी से छोटे हो और वो किसी और से छोटा है तो आप उससे तो छोटे हो गए है ना वही रिलेशन है बेटा तो अगर ए कॉमर बी बिलोंग्स टू आर एंड बी then सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर रिमेंबर आर देन देन वी कैन से दैट वट वी कैन सेन्स वॉट दिस मीन्स दैट ए इज लगर इक्वल टू बी एंड दिस मीन्स वॉट बी इज to सी तो अगर ए बी से छोटा और बी सी से छोटा तो हम ये बोल सकते हैं बी है? से छोटा बी सी से छोटा है तो ए सी C तो सी C छोटा तो ही होगा हो गया दिस इंप्लाइज ए कॉमर सी ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन आर नाउ इफ दिस इज ट्रू दैट दे बिलोंग्स टू दिस ट्रांजिटिव

रिमेंबर दिस मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर तो इट्स वेरी सिंपल व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट वन लाइन कि यहां पर आपको ये स्क्वायर के कर्व से जीरो और वन के की हमेशा क्या मिलेगी इससे छोटी मिलेगी जीरो से वन तक की कोई भी वैल्यू लोगे और सेम उस पे अगर एक्स पे देखोगे तो वो छोटी होगी उससे तो ये होल्ड नहीं हो पाएगा ट्रू यहां पर बोल है कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज फॉल्स वेन इट इज फॉल्स a less than equal to a square या x less than equal to x square, is false when it टू between zero to one मैंने कहा था half लो one by three लो कोई फर्क नहीं पड़ता one by four लो कुछ भी लो पर और के बीच में लो. जो इसके साथ हुआ है ना सेम उसके साथ होने वाला है एग्जैक्टली ठीक है तो अब चलिए मैं वापस आता हूं हाँ तो अब इसमें सुनिए क्या करना है मुझे अगर ये चीज शो करनी है तो यू नो दैट इसका अगर मैं y जुगल to x का लाइन बना लू ठीक है और अगर हम एक लाइन बना so like तो कुछ ऐसा क्यूब का है जीरो होता है तो अब क्या होगा आप यूर फाइंड की वाले केस में बेटा है ना रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होगा आप लिखोगे ए कॉमा ए सही है अब आपको ए कॉमा ए चेक करना है ये तो क्लियर है बात अगर ये क्लियर है तो लेट्स से हाफ कॉमा हाफ आप वन बाय थ्री कोमा वन बाई थ्री ले लो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता दिस वैल्यूज विल नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर वाई बिकॉज दिस इज इज बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली लेस देन इक्वल टू वन बाई टू बाई क्यूब इज नॉट ट्रू ये ट्रू नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वन बाय टू वन बाई एट से छोटा नहीं होता वन बाई टू वन बाई एट से बड़ा होता है ये मैंने पहले भी बताया है इफ यू नोटिस केयरफुली यहां पर ये जो वैल्यू है जीरो से वन के बीच वाली वैल्यू ये हमेशा बड़ी होगी एक्स क्यूब वाली वैल्यू से छोटी नहीं होती है तो इसका सीधा लॉजिक है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव समझ गए बात को रिफ्लेक्सिविटी तो क्लियर क्लियर है एकदम क्लियर हो गई होगी सिमेट्रिक के लिए देखते हैं मैंने वहां पे क्या वैल्यू ली थी याद है आपको वन कॉमा टू ली थी मैंने बोला वाला वीडियो देखो एक बार नहीं देखा है तो उसको देखो एक बार ठीक है सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला भाई वन कॉमा टू जो है इट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर यस। अरे क्यों क्योंकि सही बात है क्योंकि से छोटा है इसीलिए तो करता है सही बात है लेकिन टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर सिंस टू इज लेस देन इक्वल टू वन क्यूब इज नॉट ट्रू क्योंकि यह ट्रू नहीं हो सकता टू की वैल्यू वन से छोटी होती है क्या नहीं होती है ना तो फिर कैसे हो जाएगा ट्रू नहीं होगा वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज वन कॉमा टू होल्ड बट टू कॉमा वन डज नॉट होल्ड सो दिस एम्प्लाइज रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक ओके सो दिस इज डन नाउ वी हैव टू कम बैक टू द ट्रांजिटिव वाला केस ट्रांसिटिव के लिए आई होप यू रिमेंबर मैंने लास्ट वाले उसमें आई सेट की थ्री कॉमा टू लियो और ये बिलोंग करता है ठीक है और टू कॉमा देन आई फाउंड अ वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू से वो छोटा हो जाए ठीक है ये बड़ी हो जाएगी इन ठीक है तो 1.5 लिया था अगर याद हो तो क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या हुआ था 2.25 पॉइंट कनेक्ट करो देखो मैंने वहां पे सब कुछ समझा दिया है ठीक है तो कनेक्ट करना सीखो अब 1.5 का स्क्वायर क्या टू 2.25 आया था और 2.25 की वैल्यू 3 से तो छोटी होती है और वो होल्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमने बोला हम हाँ so no, थी अब की बार हमें क्यूब के लिए करना है तो बुद्धि सेम तरीके से लगाना बिल्कुल सेम देखो कैसे करेंगे ये वाली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा देखो कैसे अगर हमने थ्री कॉमर टू ले लिया ध्यान से सुनो मेरी बात को थ्री कॉमर टू ले लिया तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू क्यूब या इट इज ट्रू इट होल्ड्स फर्स्ट वाला केस होल्ड ओके टू अब अगर हम लेते हैं और यहां पे 1.5 ही लेते हैं यू टेक एनी वैल्यू 1.6, 1.5, नथिंग डजेंट मैटर एट ऑल कुछ नहीं फर्क पड़ता मैं पहले भी बता चुका हूं कुछ नहीं फर्क पड़ता सिर्फ ऐसे रखना था कि ये वैल्यू जो है बड़ी दिखे बस यही रखना था हमें फॉल्स करनी थी रिलेशन को करेक्ट तो अगर देखो 1.5 रखोगे तो 1.5 का क्यूब क्या होता है 1 .5, 1 .5, तो उसमें भी वन पॉइंट फाइव करोगे ठीक है तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल टू ट्वेंटी करते हैं चलो पहले यहाँ कर लेते हैं टू ट्वेंटी होप मैंने कुछ गलत नहीं किया वन डबल टू फाइव होगा सॉरी सही है थ्री सेवन फाइव तो दो डेसिमल यहां थे और एक डेसिमल यहां था छोटा हो जा रहा है, है, तो है, है।, है ना क्योंकि टू की वैल्यून पॉइंट फाइव के क्यूब से क्या है छोटी है ये तो ट्रू है ये ट्रू है दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू बोथ आर ट्रू मुझे चाहिए कि कॉमा कॉमास होल्ड ना करें यही तो चाहिए ए कॉमासी होल्ड ना करे तो अगर ए कॉमास होल्ड नहीं करना है तो इसको ट्रू नहीं होना चाहिए हमें प्रूव करना है कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यों ट्रू नहीं हो यानी ये फॉल्स हो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये थ्री इससे छोटी हो जाती है तो बस इतना तो बुद्धि मिल गई अब तो इसको हटाओ यहां से थ्री को ठीक है रिमूव दिस थ्री और यहां पे ऐड कर दो फोर या फाइव फाइव लिख दो यहां फाइव कर दो अब देखो यहां फाइव करने से यहां पे क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा 5 तो एट से छोटा होता है बात बन रही है देखो यहां भी क्या कर दो फाइव कर दो अब देखो, ठीक है, बट फाइव इज लेस देन पॉइंट फाइव का क्यूब इट डज नॉट होल्ड क्योंकि फाइव इज ग्रेटर सो यू अगेन फाउंड क्या फाउंड किया रिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि ए कॉमा बी होल्ड बी कॉमा सी होल्ड बट ए कॉमा सी ड नॉट होल्ड दिस इंप्लाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव समझ गए तो जिसने जिसने वो सेकेंड वाला क्वेश्चन वाला वीडियो देखा है ना उनके लिए एक क्वेश्चन बहुत आसान है पहले भी बता चुका हूं ये बात मैंने पहले भी बहुत बार कहा था कि आई हैव कंप्लीटेड लॉट ऑफ डिटेल्स इन द प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो और यहां तक हमने तीनों चीज निकालना सीख लिया ओके शो दिस रिलेशन इन द दिवन सेट गिवेन बायेशन आर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट अरे क्या ही फर्क पड़ता है रिलेशन दे दिया आपने इससे घटिया और आसान सवाल क्या होगा बताओ हा क्या होगा देखो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखोगे हमें पता है कि अगर कोई सेट ए होता है ना मान लो कोई सेट ए होता है ये सेट ए है तो इसके सभी एलिमेंट्स के डुप्लीकेट एलिमेंट्स होने चाहिए यानी कि वन कॉमा वन टू कॉमा टू और थ्री कॉमा थ्री ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों ही मौजूद होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को तो इसका मतलब वन कॉमा वन ओके डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव द रिलेशन इज Not आगे बात समझ में बहुत अच्छी बात है ओके सिमेट्रिक देखते हैं बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या होता है अगर वन कॉमा टू है अगर है तो टू कॉमा वन होना चाहिए जो कि भी इस रिलेशन में है तो इसका मतलब रिलेशन कैसी है सिमेट्रिक तो है रिलेशन कैसी है बेटा सिमेट्रिक तो है सौ परसेंट सिमेट्रिक है क्योंकि अगर ए कॉमा बी मौजूद है तो बी कॉमा ए भी मौजूद है लास्ट केस क्या होगा ट्रांजिटिव का होगा ट्रांजिटिव क्या कहता है अगर ए कॉमा बी मौजूद है जो कि है तो बी कॉमा ए मौजूद है क्या है अगर दोनों है सुन लो मेरी बात को अगर ये दोनों हैं तो वन कॉमा वन भी होना चाहिए था जो नहीं है जो नहीं है वन कॉमा वन है ही नहीं रिलेशन में इसका मतलब ये रिलेशन कैसी है ट्रांजिटिव नहीं है ट्रांजिटिव नहीं है आ गई बात समझ में बिल्कुल साफ क्लियर हो चुका है अगले वाले क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंस निकालना है ओके अगले वाले क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंस निकालना है जो कुछ है नहीं होता बल्कि इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तीनों ट्रू है तभी इक्विवेलेंस है नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे यहां तक आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है प्लीज लेट मी नो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको ए लेन इक्वल टू बी क्यू और अच्छे से समझना है तो ए लेन इक्वल टू बी स्क्वारा क्वेश्चन देखिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है सेकेंड वीडियो था उसी में देख लीजिएगा ओके i hope you have enjoyed this video and you have understood a lot if you have please do let me know in the comment box and yeah till then we'll see you in the next video take care